अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान सी अंडे की रेसिपी, अंडा चिंगारी। बिना किसी तामझाम के ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं, बहुत ही झटपट बन जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को वन टाइम सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले ली हूँ 2 अंडे, इन्हें तोड़ ली हूँ। 1 पिंच के करीब मैं नमक डाल दूंगी और इसे अच्छे से फेंट लूंगी। अंडों को फेंट ली हूँ मैं। अब मैं ले ली हूँ यहाँ 4 उबले हुए अंडे। अंडों को इस तरह से 4 टुकड़ों में काट ली हूँ, सभी अंडों को काट ली हूँ मैं। 2 मीडियम साइज़ का प्याज ले ली हूँ, इसे बारीक काट ली हूँ, और 2 मीडियम साइज़ का टमाटर लेकर उसका पेस्ट बना ली हूँ। 1 बाउल में मैं मसाला तैयार कर लूँगी। 2 छोटा चम्मच डालूँगी धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच या फिर टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ले ली हूँ, ये सिर्फ कलर के लिए है, तो अगर आपके पास है तो डालें। 1/2 छोटा चम्मच डाल दूँगी हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा के पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच डाल ली हूँ मैं गरम मसाला पाउडर, और 1/2 छोटा चम्मच डाल दूँगी चाट मसाला पाउडर। 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ले ली हूँ, और 1 छोटा चम्मच या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। पानी डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से घोल लेना है, ये तैयार है। इसे साइड में रखूँगी मैं। 1 कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर उसे अच्छे से गर्म कर ली हूँ, उसमें डाल दूँगी अंडों को और इन्हें चलाते हुए पका लूँगी। इस तरह हमें इसे चलाते हुए रहना है ताकि ये छोटे छोटे टुकड़े में हो जाएं। इस तरह से तोड़ लेना है इन्हें, और ये तैयार है। अब मैं इसे निकाल लूँगी और एक अलग बर्तन में रख दूँगी। उसी कढ़ाई में डाल दी हूँ 3 बड़े चम्मच तेल। तेल को गर्म होने पर डाल दी हूँ 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 1 तेज़पत्ता। जीरा को भून लूँगी अच्छे से। अब मैं डाल दूँगी इसमें प्याज। प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेना है। ये देखिए इतना ही भुनना है हमें। अब मैं डाल दूँगी इसमें जो हमने मसाले बनाकर तैयार किए हुए हैं, उसे सारा मसाला डाल दूँगी। साथ में टमाटर का पेस्ट भी डाल दूँगी और इसे भून लूँगी। यहाँ 1 हरा मिर्च बारीक काट के डाल ली हूँ मैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप तीखा खाते हैं तो ही डालें। अब मैं इसे ढककर मसालों को अच्छे से भून लूँगी। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और चलाते हुए मसालों को अच्छे से भून लिया मैंने, देखिए। अब मैं डाल दूँगी इसमें अंडे, तो पहले इन्हें डालकर थोड़ा सा चला लूँगी, और अब मैं इसमें उबले हुए अंडे भी डाल दूँगी और इन्हें हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं करना है, नहीं तो टूट जाएंगे अंडे। अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, तो 1/2 ग्लास डाली हूँ मैं। धीरे से इसे मिक्स कर देंगे। पानी मैं इसमें थोड़ा सा ही डाली हूँ क्योंकि मैं इसमें ग्रेवी नहीं रखने वाली हूँ। अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो थोड़ा पानी बढ़ा सकते हैं। 1 बड़े चम्मच के करीब मैं हरे प्याज का हरा वाला पार्ट डाल दी हूँ और 1 छोटा चम्मच पुदीना डाल दी हूँ। इसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है इसमें, तो इसलिए मैं डाल दी हूँ। इसे ढककर 1 मिनट तक पका लूँगी मीडियम फ्लेम पर। 1 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से पक चुका है ये। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इसे गर्मा गर्म सर्व कर लूँगी। तो बहुत ही बढ़िया हमारा अंडा चिंगारी बनकर तैयार हो चुका है, देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। अंडे को अगर कुछ अलग तरीके से बनाने का दिल करे तो इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया बनता है और सभी को बहुत पसंद आएगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।